പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥിയും, ബി എ പാർട്ട് സെക്കൻഡ് തരകശാസ്ത്ര മേ നിഗമൻ പാർട്ട് കെ അന്തർഗത അന്യ അവയവിത അനുമാനോ കി ചർച്ച പിച്ചലേ വീഡിയോ മേ കീ തീ. അന്യ അവയവിത അനുമാൻ കാ താത്പര്യ ഹോതാ ഹൈ ജിസ്മേ ഏക ആധാര വാക്യ സേ ഹീ നിഷ്കർഷ് കോ നിഗമിത കിയാ ജാതാ ഹൈ. जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि परंपरागत विरोध वर्ग जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, जिसमें एक आधार वाक्य से ही हम निष्कर्ष को निगमित करते हैं. इसके अतिरिक्त जो है अन्य अव्यवहित अनुमान तर्कशास्त्र में माने गए हैं और अन्य अव्यवहित अनुमान के तीन प्रकार बतलाए गए हैं, परिवर्तन, प्रतिवर्तन और प्रति परिवर्तन, जिसको हम कन्वर्ज, ओवर्ज और कॉन्ट्रोपोजिटिव के रूप में जानते हैं. पिछले वीडियो में परिवर्तन की बात की थी और परिवर्तन का तात्पर्य बतलाया गया था कि जिसमें उद्देश्य और विधेय परस्पर बदल दिए जाते हैं. परंतु इस बात का ध्यान रखना होगा कि मूल तर्क वाक्य के अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो. इसके अंतर्गत हमने देखा था कि किस प्रकार से परिवर्तन किया गया था, ए का मानक आकार ए का, ई का, आई का और ओ का, चारों तर्क वाक्यों के बारे में हमने देखा था. ए तर्क वाक्य का सीमित परिवर्तन हुआ था, ई और आई तर्क वाक्य का पूर्ण परिवर्तन किया गया था, ओ तर्क वाक्य का परिवर्तन संभव नहीं है क्योंकि उसका परिवर्तन करने पर अर्थ में परिवर्तन हो जाता है. ये तो परिवर्तन के बारे में हमने चर्चा की थी. अब आज जो है प्रतिवर्तन, जो ओवर्ज है, ओवर्जन के बारे में बात करेंगे कि प्रतिवर्तन के अंतर्गत हम जो है किस प्रकार से परिवर्तन, किस प्रकार से मानक आकार के तर्क वाक्यों का प्रतिवर्तन करेंगे. सबसे पहली बात है कि यहां पर मूल तर्क वाक्य जो है उसके विधेय पद के पहले जो है पूरकता को प्रदर्शित करेंगे हम और उसके गुण में परिवर्तन करेंगे. दो बातें, उसकी पूरकता को प्रदर्शित करेंगे, किसकी, विधेय पद की पूरकता को प्रदर्शित करेंगे और साथ में क्या करेंगे, उसके गुण में भी हम परिवर्तन करेंगे. तो यहां जो है प्रतिवर्तन का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले हम मानक आकार के तर्क वाक्यों का परिवर्तन करेंगे. और मानक आकार के तर्क वाक्यों का जो परिवर्तन करेंगे उसका तात्पर्य क्या है कि परिमाण में परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल गुण में परिवर्तन हम करेंगे. इसका तात्पर्य क्या है कि मानक आकार के ए तर्क वाक्य को हम किस में चेंज करेंगे, ई में चेंज करेंगे, और ई को वापस किस में चेंज करेंगे, आई, ई को वापस किस में करेंगे, ए में. अर्थात सर्वव्यापी तर्क वाक्य का सर्वव्यापी में ही परिवर्तन होगा, ए का ई में हो जाएगा और ई का वापस किस में हो जाएगा, ए में हो जाएगा. पहली बात, आई तर्क वाक्य का जो प्रतिवर्तन में करेंगे तो आई तर्क वाक्य को किस में ले जाएंगे, ओ तर्क वाक्य में ले जाएंगे और ओ को किस में ले जाएंगे, वापस आई तर्क वाक्य में. पहली बात कि मानक आकार के तर्क वाक्यों का परिवर्तन प्रतिवर्तन में किस प्रकार से किया जाएगा, ए का ई में करेंगे, ई का वापस ए में करेंगे, आई का ओ में करेंगे और ओ का किस में करेंगे, आई में करेंगे. अर्थात सर्वव्यापी तर्क वाक्य का सर्वव्यापी तर्क वाक्य का सर्वव्यापी में करेंगे और अंशव्यापी का अंशव्यापी में करेंगे. तो यहां पर जो है परिमाण तो दोनों का एक ही रहेगा लेकिन गुण में क्या हो जाएगा, भिन्नता हो जाएगी. जैसे ए में स्वीकारात्मक है तो ई में क्या हो जाएगा, निषेधात्मक हो जाएगा. आई में स्वीकारात्मक है तो ओ में क्या हो जाएगा, निषेधात्मक हो जाएगा. तो गुण में हम परिवर्तन कर रहे हैं. एक बात जिस पर विशेष रूप से ध्यान देना है, जिसमें हम परिवर्तन में भी चर्चा की थी कि हम चाहे वो परिवर्तन करें, चाहे प्रतिवर्तन करें, चाहे प्रति परिवर्तन करें, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है कि मूल तर्क वाक्य के अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए. हमारा जो मूल तर्क वाक्य है उसका प्रतिवर्तन तो हम कर दें लेकिन उसके अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो. और इसी के लिए बताया गया कि उसे उसके विधेय पद से पहले उसकी पूरकता को प्रदर्शित हम करेंगे. और विधेय पद की पूरकता को प्रदर्शित करने के लिए हम विधेय पद से पहले ए शब्द का प्रयोग करेंगे. ए शब्द का प्रयोग करके उसकी पूरकता को हम प्रदर्शित करेंगे
तो यहाँ पर दो बातें विशेष रूप से हमें परिवर्तन में ध्यान रखनी है कि एक तो मानक आकार के तर्क वाक्यों में परिवर्तन करेंगे, ए का ई में करेंगे, ई का वापस ए में करेंगे, आई का ओ में करेंगे और ओ का वापस आई में करेंगे। दूसरी बात, मूल तर्क वाक्य के अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो इसके लिए उसके विधेय पद से पहले उसकी पूरकता को प्रदर्शित करेंगे। उद्देश्य पद से पहले कुछ भी नहीं करेंगे हम, किस में चेंज कर रहे हैं, विधेय पद से पहले उसकी पूरकता को प्रदर्शित करेंगे ताकि मूल तर्क वाक्य के अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो। तो यहां पर जो है उस वाक्य का अर्थ रखने के लिए, पूरकता को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, ए शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए मानक आकार के चार तर्क वाक्य हमारे होते हैं, ए तर्क वाक्य, ई तर्क वाक्य, आई और ओ। ए का तात्पर्य क्या है, सभी उ वी है। यदि हम सारणी के माध्यम से प्रतिवर्तन को समझेंगे तो सभी ए, सभी जो है ए तर्क वाक्य में क्या है, सभी उ वी है। उ का तात्पर्य क्या होता है, उद्देश्य, और वी का तात्पर्य क्या होता है, विधेय। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, सभी उ वी है, उद्देश्य और विधेय की बात हम कर रहे हैं। सभी उ वी है, जब हम परिवर्तित करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मानक आकार चेंज होगा। एक इसमें गया था, ई में गया, तो कोई हो जाएगा, जो सभी था वो किसमें चेंज हो गया, ई में हो गया, तो कोई उ, और वी से पहले क्या लगाएंगे, ए शब्द का प्रयोग करेंगे, अर्थात कोई उ ए वी नहीं है, कोई उ ए वी नहीं है। वी से पहले क्या लगा दिया, उसकी पूरकता को प्रदर्शित करने के लिए ए शब्द का प्रयोग हमने किया। दूसरा जो मानक आकार का तर्क वाक्य है वो है कोई उ वी नहीं है। ये तर्क वाक्य है, कोई उ वी नहीं है। जब चेंज करेंगे तो ई जो चेंज हो जाएगा किसमें, ए में, सभी उ ए वी है। वी से पहले हमने उसकी पूरकता के लिए, प्रदर्शित करने के लिए शब्द का प्रयोग कर दिया, सभी उ ए वी है। इसी प्रकार से आई तर्क वाक्य जो अंशव्यापी तर्क वाक्य है, वो अंशव्यापी तर्क वाक्य क्या है, कुछ उ वी है, कुछ उ वी है। इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये किसमें चले जाएगा, ओ तर्क वाक्य में चले जाएगा, कुछ उ ए वी नहीं है, वी नहीं है। ठीक है, वी से पहले हमने लगा दिया ए शब्द का प्रयोग ताकि उसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो। उसके बाद में ओ तर्क वाक्य है, ओ तर्क वाक्य का तात्पर्य क्या, कुछ उ वी नहीं है, कुछ उ वी नहीं है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये आई तर्क वाक्य में हो जाएगा, ओ आई में बदल जाएगा, कुछ उ ए वी है। वी से पहले उसकी पूरकता के लिए हमने क्या कर दिया, ए शब्द का प्रयोग किया, इसका तात्पर्य क्या हो गया, कुछ उ ए वी है। तो यहां चेंज हो गया, देखिए जो ओ तर्क वाक्य था वो निषेधात्मक था और आई तर्क वाक्य में हमने उसको चेंज कर दिया गुण के रूप में, स्वीकारात्मक तर्क वाक्य के रूप में। तो ये सारणी के रूप में हमने देखा है कि ए जो है ई में बदल जाएगा, ई ए में बदल जाएगा, आई ओ में बदल जाएगा और ओ वापस किस में बदल जाएगा, आई में। दूसरी बात, उसके मूल तर्क वाक्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो इसके लिए हम विधेय पद से पहले उसकी पूरकता को प्रदर्शित करने के लिए ए शब्द का प्रयोग करते हैं ताकि उसके अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो। यह जो है प्रतिवर्तन के रूप में हमने देखा। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा, मानक आकार के जो तर्क वाक्य हैं उनको उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से हम प्रतिवर्तन भी कर रहे हैं और प्रतिवर्तन के साथ में हम इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि मूल तर्क वाक्य के अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पहला जो उदाहरण हम लेंगे मानक आकार के ए तर्क वाक्य का लेंगे, और ए तर्क वाक्य क्या कह रहा है, सभी कांग्रेसी मतदाता है। उदाहरण के लिए एक सेंटेंस हमारा मानक आकार का ए तर्क वाक्य क्या है, सभी कांग्रेसी मतदाता है, कि जो भी कांग्रेसी है वो क्या होता है, मतदाता होता है, कांग्रेसी जो है मतदाता है। इसको हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिवर्तन करेंगे, और प्रतिवर्तन में क्या किया जाता है, मानक आकार बदल दिया जाता है, तो एक इसमें चले जाएगा, ई में चले जाएगा। तो कोई कांग्रेसी ए मतदाता नहीं है। मतदाता से पहले क्या लगा दिया,
ए शब्द किसका मतदाता की पूरकता को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ए शब्द का प्रयोग करेंगे। कोई कांग्रेसी ए मतदाता नहीं है, इसका तात्पर्य क्या होता है? हमने सेंटेंस क्या कहा था, सभी कांग्रेसी मतदाता है, इसको चेंज कर रहे हैं, कोई कांग्रेसी ए मतदाता नहीं, ए मतदाता नहीं है, इसका तात्पर्य क्या है? मतदाता है, सभी कांग्रेसी क्या हो गए? मतदाता है। तो वही अर्थ दे रहा है जो मूल तर्क वाक्य का जो वाक्य था। परिवर्तन करने के बाद में जब हमने मानक आकार में परिवर्तन किया, उसके बाद में जो विधेय पद से पहले उसकी पूरकता को प्रदर्शित करने के लिए ए शब्द का प्रयोग किया, उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं? वही अर्थ जो है स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं जो मूल तर्क वाक्य में था। तो पहले के अंतर्गत हमने देखा कि सभी कांग्रेसी मतदाता है, इसको हमने चेंज किया, कोई कांग्रेसी ए मतदाता नहीं है। तो यह वही अर्थ दे रहा है जो मूल तर्क वाक्य था, ए मतदाता नहीं है, इसका तात्पर्य है कि वो मतदाता है, यह अर्थ निकलकर सामने आ रहा है। अब सेकंड वाक्य जो देखिए है कि मानक आकार का जो ई तर्क वाक्य है, कोई निर्णायक पक्षपाती नहीं है, कोई भी निर्णायक जो है, जो भी जज है, वो किसी का पक्ष लेने वाला नहीं है, पक्षपाती नहीं है, कोई निर्णायक पक्षपाती नहीं है। यदि हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ई तर्क वाक्य है तो वापस ए में चेंज हो जाएगा। सभी निर्णायक अपक्षपाती है, सभी निर्णायक अपक्षपाती है, इसका तात्पर्य क्या है कि कोई भी निर्णायक पक्षपाती नहीं है। यदि हम ए शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका विपरीत हो जाएगा। जैसा हम देख रहे हैं कि कोई निर्णायक पक्षपाती नहीं है, तो सभी निर्णायक क्या हो गए? पक्षपाती है, तो एक दूसरे का विरोधी हो गया। लेकिन हम मूल तर्क वाक्य के अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उस मूल तर्क वाक्य के अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो, उसके लिए हम विधेय पद से पहले उसकी पूरकता को प्रदर्शित करते हैं, और पूरकता के प्रदर्शित करने के लिए हम ए शब्द का प्रयोग करते हैं, ताकि हमारा मूल तर्क वाक्य के अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो। तो कोई निर्णायक पक्षपाती नहीं है, इसको हम चेंज कर रहे हैं, सभी निर्णायक अपक्षपाती है, ये वही अर्थ दे रहा है जो मूल तर्क वाक्य में अर्थ देखने को हमें मिलता है। उसके बाद में तीसरा जो वाक्य है, कुछ सैनिक कायर है, कुछ सैनिक जो है कायर है, सैनिक का वर्ग बहुत बड़ा है, जिसमें से कुछ बहादुर भी हो सकते हैं और कुछ कायर भी हो सकते हैं, कुछ सैनिक कायर है, ये मानक आकार का आय तर्क वाक्य है, और इसको जब हम प्रतिवर्तन करेंगे तो आय को मैंने बतलाया था कि आय किस में चले जाएगा, ओ में चले जाएगा, सर्वव्यापी सर्वव्यापी में जाता है और अंशव्यापी में जाता है, तो कुछ सैनिक कायर है, ये किस में चेंज हो जाएगा? कुछ सैनिक कायर नहीं है, कुछ सैनिक कायर नहीं है, इसका तात्पर्य क्या हो गया? कुछ सैनिक कायर नहीं है, कुछ सैनिक कायर है, उसका उल्टा कर दिया, कुछ सैनिक कायर नहीं है, तो ये तो इसका विपरीत हो गया। तो हमको क्या करना है? मूल तर्क वाक्य के अर्थ में परिवर्तन नहीं करना है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि कुछ सैनिक अकायर नहीं है, ए शब्द का प्रयोग लगा दिया हमने, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? ए कायर नहीं है, इसका तात्पर्य क्या हुआ? कायर है। तो वही अर्थ जो मूल तर्क वाक्य का अर्थ था, वही का वही अर्थ जो है प्रतिवर्तन में दे रहा है। अंतिम तर्क वाक्य हमारा है, कुछ मनुष्य विवेकशील नहीं है, कुछ मनुष्य जो है विवेकशील नहीं है, वो तर्क वाक्य है। अब देखिए कि विवेकशील नहीं है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? आई में चेंज हो जाएगा। सबसे पहला काम है कि मानक आकार को हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई में। अब देखिए, कुछ मनुष्य विवेकशील नहीं है, आई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ मनुष्य अविवेकशील है, अविवेकशील का तात्पर्य क्या है? विवेकशील नहीं है। अविवेकशील करके ए शब्द का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं हम? वापस मूल तर्क वाक्य के अर्थ में को वही का वही रखने के लिए हमने उसकी पूरकता को प्रदर्शित करने के लिए ए शब्द का प्रयोग किया। तो कुछ मनुष्य विवेकशील नहीं है, इसको चेंज हम करेंगे, कुछ मनुष्य अविवेकशील है, यह कहकर हम पुनः जो है मूल तर्क वाक्य को वही का वही रख रहे हैं। तो प्रतिवर्तन का तात्पर्य क्या होता है कि हम जो है मानक आकार को चेंज भी कर दें, उसके विधेय पद की पूरकता को प्रदर्शित करने के लिए ए शब्द का प्रयोग कर दें, ताकि हमारा प्रतिवर्तन भी हो जाए और मूल तर्क वाक्य में किसी प्रकार का परिवर्तन भी नहीं होता है, उसे हम प्रतिवर्तन कहते हैं। तो सामान्य रूप से मैंने ओवर्जन के बारे में जो सेकंड हमारा टॉपिक था अन्य व्यवहित अनुमान का,
वो परिवर्तन, उसके बारे में मैंने बताया। तो दो चीजें अब तक बताई जा चुकी है आपको, परिवर्तन और प्रतिवर्तन, और तीसरे की जब चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट में, तो ये दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आएगी, तभी तीसरी चीज समझ में आ सकती है, क्योंकि उन दोनों पर ही तीसरा डिपेंड करता है, उस पर आधारित है। तो आप लोग दोनों वीडियो को ढंग से देखें और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम प्रतिवर्तन, जो कॉन्ट्रपोजिटिव के रूप में जाना जाता है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो निश्चित रूप से आप लोग सारणी के रूप में देखें, उदाहरणों को समझने का प्रयास करें, तो आप लोगों के समझ में आएगा। धन्यवाद। यस करो।